कुश्ती के प्रशिक्षण में जानते हैं बहुत कमियां हमारे देश में रही हैं, यद्यपि हमारे पहलवान बहुत अच्छे रहे, लेकिन पहलवान हमारे देश में अपने मन के होते हैं, थोड़ा सा पहलवानी के उसमें भी होते हैं, उनके अंदर उसका भाव होता है मैं पहलवान हूं। मैं देखता हूं कई दिन तो नहीं मन कर रहा सिखाने का, ऐसे बैठा रहता है, कहता पैर दबाओ हाथ दबाओ, और 50,000 रुपए लिया है महीने का। दिल्ली में 80,000 रुपए महीने है इस समय कुश्ती का ट्यूशन, और बहुत सारे लोग हरियाणा के बच्चे रहते हैं, तो हमारे एक बगल में ही चंदगिराम अखाड़ा है, तो मुखर्जी नगर के ही कुछ लोग जाते हैं अगल बगल, तो मैंने पूछा कितना पैसा लगता है, कहा सर 50,000 लग रहा है, 3-4 महीने तक करना है। तो मैंने कहा आजकल क्या सिखा रहे हैं, कहा आजकल तो सिखा ही नहीं रहे, पैर दबवा रहे हैं। अब लोग कौन मना करे, ज्यादा मना करेंगे पीट भी देगा, पहलवान है वो, कोई टीचर थोड़ी है, उसके मन में ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई बहुत प्रोग्राम्ड नहीं है, मन मौजी है उसका, जिस दिन आ गया सिखा दिया, जिस दिन नहीं आया नहीं सिखाया। आप जान रहे ऐसे बताइए, ऐसा प्रशिक्षण है कि जिसमें आप पहलवान से बात करते समय डरिए, उसको बाद ज्यादा दाव है कहीं पिटाई कर दे नहीं। एक दिन एक लोगों ने कहा भाई कि रोज रोज हमारा समय खराब हो रहा है और आप जानते हैं हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा भी, उनको उठाक पटक दिया। अब वो थाने में गए, अब थानेदार लिख ही नहीं रहा और कौन पहलवान है, क्योंकि थानेदार भी डरता है। कहा कि थाने में गए तो जो थानेदार है उसने कहा कि कौन सा पहलवान था। अच्छा फिर जानते हैं बहुत कोशिश करके पहलवान को बुलाया गया, पहले तो थाने मानिक तैयार नहीं था, कहा आप लोग स्वयं आ जाइए, तो बाद में पुलिस ने दबाव डाला, थाने में आया तो उसने कहा भाई आपने क्यों पटका, कहा यही तो सीखने आते हैं, यही सिखा रहा था मैं। अब आप कैसे प्रूफ कर पाओगे सिखा नहीं रहा था, कहा इतना चोट वोट तो लगती ही रहती है इसमें, ये दाव में सिखा रहा था, और बता के हर दाव सिखाया नहीं जाता, सिखाने के बाद बताया जाता, लेकिन तब तक ये भाग चले। प्रूफ नहीं कर सकते आप पहलवान बदमाशी कर रहा है।